नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कभी दिल्ली की निर्भया, कभी हैदराबाद की प्रियंका, कभी हाथरस की बेटी तो कभी कोई और, ये घटनाएं हर बार झकझोर कर रख देती हैं। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में बलात्कार की घटनाओं ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। मुरादाबाद में माँ और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। बुलंदशहर में 18 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के गांव में एक दबंग ने 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया। इन तीनों घटनाओं से ये तो साफ है कि महिलाओं की सुरक्षा के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो ये घटनाएं बता ही देती हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना बिलारी कोतवाली इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला और उसकी नाबालिग 11 साल की बेटी के साथ तीन दबंगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने तमंचे की नोक पर महिला के पति के हाथ पैर बांधे और फिर उसके सामने ही उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। बताया तो ये भी जा रहा है कि जब इस घटना की शिकायत थाना कोतवाली बिलारी पुलिस से की गई तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर पीड़ित परिवार ने पुलिस के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सका। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और तमाम जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। पीड़ित परिवार दबंगों के खौफ से अब तक डरा हुआ है, उभर नहीं पाया है। वहीं इस मसले पर पीड़ित बच्ची ने बताया कि जब वो लोग रात में घर के आंगन में सो रहे थे तो कुछ लोग मेरी मम्मी और पापा को अंदर ले गए, फिर मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन सब ने मिलकर मुझे, मम्मी और पापा को खूब मारा। जब वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूंगी। पापा को तख्त से बांध दिया, फिर तीनों ने हमारे साथ बदतमीजी की। इसके बाद हम सब थाने गए। दारोगा ने पापा को बोला कि तू झूठ बोल रहा है, मैं अलग बैठी रही, मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की। इसके अलावा पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति को जमकर मारा पीटा गया और उसके हाथ पैर बांध दिए गए। इसके बाद मेरे सामने मेरी बेटी के साथ रेप किया गया और फिर मेरे साथ भी किया गया। इस दौरान मेरी नाबालिग बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस पर इन बदमाशों को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। वहीं यूपी के ही बुलंदशहर के खुर्जानगर थाना क्षेत्र से भी 18 साल की लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। लड़की रात के समय घर से बिस्किट लेने निकली थी, उसी दौरान एक लड़का उसे जबरदस्ती खींचकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ रेप किया। और इस दौरान आरोपी के दो साथी पहरेदारी करते रहे। घटना की सूचना युवती ने परिजनों को दी तो परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीन जने मिले, तीन जने। क्या नाम है उनके? कलुआ, राजीव, एक वो है कपिल। कुछ सामान लेने गए थे और उनने हाथ पकड़ के खींच लिया। किसने? कलुआ ने। कलुआ ने किसने खींचा आपका हाथ पकड़ के? इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के निराना गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जंगल में नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ चारा काट रही थी, उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया और गांव के एक दबंग युवक अब्बू बकर ने उसका रेप किया। पीड़िता को एक ढाबे पर ले जाया गया था। रेप के बाद लड़की डरी सहमी जैसे तैसे घर पहुंची तो उसने अपने परिवार को इस दरिंदगी के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने इस बाबत पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। घास को जा रहे थे मम्मी के साथ और तो थोड़ा सा अलग अलग हो गए थे, फिर उसके बाद मैं तो इधर हो गई थी, थोड़ी सी दूरी था, थोड़े से दूर का फासला था, तो जो मैं कुटी सही तो उस लड़के ने आके गोली मार ली। वो क्या नाम है उसका, अबू बकर ने गोली भर लिया क्या, और जो मैं मम्मी को हाक मारना चाहा तो उसने मेरे मुँह पे एकदम कपड़ा उड़ा दिया। फिर उसके बाद कुछ भी ध्यान नहीं रहा, कुछ भी पता नहीं रहा, कुछ भी नहीं। उसकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया,
पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी करके अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब इन तीनों घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, शासन पर भी प्रशासन पर भी। तमाम दावे, तमाम सुविधाएं देने की बात की जाती है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं का हाल ये है, नाबालिग बेटियों का हाल ये है। और नाबालिग बेटी की तो छोड़िए, जो 7 साल की, जो 8 साल की मासूम है, उनके साथ भी इस तरह की दरिंदगी की खबरें रोजाना सामने आती है, जो कहीं ना कहीं समाज में जो दूसरी बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें खौफ पैदा करती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।